वो सब को थोड़ा छोड़ दो ना, ये भी स्टाफ को आगे निकल नारे ना तो गंचा तेरे कोई भी अंदर नहीं घूमता। चप्पल लगाओ करो ना, वो गिरेगा देखो, वो सेंटेक्स सेंटेक्स पूरा गिर रहा है। अग्नि बच गया, वही सबसे बराबर। अच्छा नहीं गया, अलग सही है अपनी ठीक है ना। बिल्कुल मत नहीं होने आए अच्छा नहीं गया, अलग सही है अपनी ठीक है ना। भैया सिंधी थे हाँ मेरा नाम टिंकेन नादा और हम ये घर में रेंट बिता है। अभी मेरा रेंट बिटने वाला भी ज़्यादा दिन है, आज तक हम रेंट यहाँ बिता हुआ है। तो एक्चुअली यहाँ में जो पहाड़ को कटिंग हुआ है, ये कटिंग का वजह से आज का जो घर जो चला गया है उसका वजह से हुआ है। तो उस दिन से ये बंद था, ये जो यहाँ में पहाड़ काटा है उसको भी मालिक बहुत बार बात किया है बोला, तो मालिक से कोर्ट में भी अभी चल रहा है बोला है, तो मालिक बात किया है बोला ये बहुत बारिश के समय में फिर होने का चांसेस है, पहले गया साल फिर हुआ था बोला है, तो अभी कोर्ट में चल रहा है बोला है। तो इसलिए मालिक को भी समझाया है कि इसको अच्छा से आप मालिक को जो आपका ये है बोल के आज इसको क्लियर करने से ठीक है बोल के, तो रिस्पॉन्स नहीं किया होगा। तो इसे रात को 4 बजे को हुआ है, कल ठीक से बारिश हुआ था, तो 4 बजे को पानी हम तो ग्राउंड फ्लोर में बैठा है, तो मेरा 2 दिन हुआ है रेंट बैठने वाला, तो वहाँ से खिड़की से इतना पानी स्पीड आके बैठा है। हम तो रात को 12 बजे तक बैठा है, तो 12:30 बजे तक तो कुछ नहीं हुआ है। तो 4 बजे तक मेरा भैया हुआ में खिड़की का सामने में एक रूम में सुआ था, तो उसमें हम तो मालूम ही नहीं था, हम लॉक करके बैठा था, तो वो बोला कि खिड़की में पानी आ गया बोल के, स्पीड आ गया बोल के, हम देखा है तो पानी आ गया था। तो बच्चा को हम लेके हम चड्डी पहन कर निकल गया, तो कपड़ा भी लेने का मौका ही नहीं मिला, तो हम डायरेक्ट वहाँ से सीधा भाग के निकला है। तो ये मालिक लोग को ऊपर ऊपर फ्लोर में सो रहे, मालिक लोग बैठ रहा था, तो वो लोग को चिल्लाया, चिल्लाने का साथ साथ वो लोग निकले तो घर नीचे चला गया। तो वही है, बाकी तो बोलने के लिए नहीं है। बताए पापा का नाम तकम पामी ना, हम ये चेक गेट का सामने में बताए रेसिडेंट ये है, ये बिली चाहतुम है ये जो कटिंग करने वाला ना, उसका कटिंग का वजह से ये पूरा डैमेज हो गया। जब नया नया शुरू शुरू कटिंग करते समय हम लोग बार बार उसको अपील किया था मत काटो ना, क्योंकि माटी तो ऑलरेडी वो जो नाला को डाइवर्ट करने से तो पानी ऐसे जाने से तो कभी ना कभी ब्लस्ट होके आएगा, ये बोला ही है ना बार बार। बोलने के बाद भी वो हम लोग को निग्लिजेंट करके कटिंग कर दिया, कटिंग करने के बाद फर्स्ट डैमेज होने वाला ये है, ये वाला लुक ना, ये जो फोटोस वगैरह है फर्स्ट डैमेज हुआ था उसमें भी हम लोग अपील किया मत वो करो, नेचुरल नाला को जाने दो ना, नाला को डाइवर्ट मत करो, डाइवर्ट करने से ऊपर में पूरा
जमा होके पाउंड जैसे बन के और से ब्लास्ट होके आएगा ये बोला है ना, बार बार बोलने का बाद भी नहीं सुना है। और डीसी ओर भी उसको निकाला है कि नाला को पहले जैसे जाने देता, जाने दो बोल के ना, लेकिन भी उसका डीसी को भी निग्लिजेंस करके, डीसी का ऑर्डर भी मेरा पास है, हर चीज एविडेंस मेरा पास है ना, डीसी का ऑर्डर को भी निग्लिजेंस करके वो नाला को डाइवर्ट किया है। आज ये पानी ऊपर में ऊपर जमा होने का बाद ब्लास्ट होके हम लोग घर को ऊपर डैमेज करके रख दिया ना, रातों रात बारिश एक दो घंटा हो गया था, हम लोग को इतना बायनस डैमेज कर दिया था, और होने से हम लोग मरना ही था होगा। इतना हम जैसे निकाला है 5 मिनट का बाद घर जो क्रैक हो गया, हम लोग को वो करने का भी समय नहीं, सामान तमान भी निकालने का समय नहीं दिया ना दाई, ऐसे हो कि बच्चा को पकड़ के हम लोग निकाला है, बार बार उधर देने का जान बुझके अभी बिली जा तुम जो हम लोग को जान बुझके किया है जैसे ही हो गया ना अभी जो ये चीज़ जो, क्योंकि उसको हम एक दो बार नहीं बोले, बार बार बोला है, नाला को पहले जैसे जाने देता था, जाने दो बोलने का बाद भी ऐसे ही करके रख के आज हम लोग को ये सिचुएशन में पहुँचा है बिली जा तुम जो ना। आप लोग खुद भी देख लो और कितना डैमेज करेगा इससे ज़्यादा, और मेरे पास तो हर चीज़ का सबूत है कि उसको कैसे हम लोग वो किया है ना, उल्टा हम लोग ऐसे दिया है तो उल्टा हम लोग का ऊपर में वो होता है लेन इंक्रोचमेंट का, क्या क्या अपना बचने के लिए लेन इंक्रोचमेंट का क्या क्या हम लोग को वो करके रखा है, वो देखे रखा, उसका भी अभी हम लोग कोर्ट में चल रहा है ना। लेकिन हम तो वही अभी मेन चीज़ अभी हम जो ये जो डाइवर्ट का उसका डाइवर्सन का वजह से ही हम लोग घर जो डैमेज हुआ है ना, हम तो वही बताना चाहते हैं। अगर वो डाइवर्ट नहीं करता तो पानी पहले से जाने देता था बोलने से, कभी ये सिचुएशन होना है ना, पाँच छः साल से घर बना के बैठ रहे हम लोग, कभी ये सिचुएशन नहीं हुआ है ना, वो डाइवर्ट करने का बात ही ये सिचुएशन निकाला है, ये सब कुछ का ये वो जो बिरी चातुम है लेन इंक्रोचमेंट नहीं कटिंग नहीं करने से आज हम ये सिचुएशन नहीं होना था, उसका कटिंग का वजह से हम लोग ऐसे प्रॉब्लम है। तो मैम आप लोग का ये घर जो करीबन सुबह कितना बजे का हुआ, ये जो बारिश तो कल कंटिन्यू हुआ है ना, शाम को कंटिन्यू हुआ है, हम तो ऐसे होगा कभी सोचा नहीं है, ये बारिश कंटिन्यू हुआ है 2 बजे ऐसे कंटिन्यू लगातार बहुत हीट से हुआ है, ठीक हम 4 बजे समथिंग 3 बज के ज़्यादा उसमें हम लोग निकाले, 4 बजे को मान लो ना, उसी समय हम बाहर निकाले, जैसे हम निकाले 5-6 मिनट हम यहाँ खड़ा किए था, घर जो क्रक 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 पटना शुरू हो गया, और नीचे रेन बैठने वाला लोग वो लोग नहीं होता था, हम लोग कहाँ से मालूम होगा, अंडरग्राउंड जो रेन बैठने वाला लोग जो वो लोग जो पास डेंजर को मालूम हो के हम लोग को जल्दी बुलाए ना, तब हम जो बच्चा को पकड़ के हम कपड़ा सपड़ा भी नहीं पहन के बाहर निकाला है, अगर और थोड़ा देर होने से हम लोग की जगह होना था अंदर में मर के बैठना था होगा। तो यहाँ में जितना रेन बिताया जा या तो आप लोग ओनर है तो इसमें किसी आदमी को तो इंजोर तो नहीं हुआ है ना? इंजोर नहीं हुआ, वही हम लोग के लिए सबसे अच्छा बात है ना, इंजोर नहीं हुआ, इंजोर होने से पहले वो हम लोग जल्दी बता दिया ना पानी इतना बढ़ रहा है जल्दी उतो बोल के, तो हम लोग उठ के हम लोग बाहर निकाला, नहीं तो आज हम और थोड़ा लेते तो मरना ही था एक दो तो आदमी तो। जो इम्पोर्टेंट सामान होता है जो सेल्फ प्रॉपर्टी सब कुछ होता है डॉक्यूमेंट्स होता है वो बच्चा पाया कुछ भी नहीं निकाल पाया, अभी एक एक करके निकाल रहा है ना, निकाल एक दो जो सक रहे निकाल पा रहा है, एक भी कहाँ से वहाँ निकाल पाएगा, इतना भयानक सिचुएशन था, घर दारी क्रैक हो गया तो कहाँ से हम निकाल पाएगा दाई, ऐसे जैसे बदन स्वरूप निकाला बच्चा को पकड़ के निकाला। आप मीडिया का थ्रू गवर्नमेंट को कुछ अपील करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए? हम तो गवर्नमेंट को वही बोलेगा बिरी चा तुमको, हम तो बार बार अपील किया है, नाला जैसे जाने देता था जाने दो ना, आर्ट कटिंग मत करो बोला है, आर्ट कटिंग करने का बाद वो जो क्या नाम था डाइवर्सन एक नाला बना दिया नकली आर्टिफिशियल नाला ना, वो नाला जो ऊपर से फिर वो कटिंग किया है ये क्या नाम था तमिल हमला जो फिर कटिंग शुरू हो गया, वहाँ से माटी गिर के वो जो नकली नाला बना के रखने वाला को फिर वो कर दिया, मट्टी से भर गया, उसका वजह से ऊपर में पानी पूरा जमा हो गया, और जो पटके ये जो ऊपर हम उसे ऊपर ला जमीन में पानी पूरा पोन जैसे बांध के रखे वहाँ से ब्लास्ट होके नीचे आके हम लोग ऐसे डैमेज कर दिया, ये सब कुछ बिरी चाह हम तो वही गवर्नमेंट से बोलेगा बिरी चाह तुमके अगेंस्ट ना वो करो एक्शन लो, क्योंकि उसको हम एक दो बार और नहीं किया ना, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो ऐसे किया, दैट मीन्स वो जो हम लोग इंटेंशन था हो, हम तो वही बोलेगा। मैडम रिलेक्शन डिपार्टमेंट के आपको क्या अपील रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा जो यहाँ पर इंसान मौजूद है उनको अभी प्रॉपर एक घर नहीं है और खाने पीने के लिए भी एक प्रॉपर जगह नहीं है, तो इसके लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? अभी हम लोग तो घर मेरा ये रेंट बेचने वाला लोग भी अपना घर नहीं है ना, रुका जाएगा होगा उसको, हम लोग भी अभी ऐसे हो कर हम लोग कहाँ बैठेगा अभी ये सिचुएशन में, बैठने जगह भी नहीं है, अपना घर भी घर खत्म हो गया तो कहाँ में बैठेगा अभी हम लोग, हम तो वही बोलेगा हम को तरह ना वो कर दो देख दो बिरी चाहते हमको तरह वो करने से, ठीक है मीडिया लोगों हम अभी तो क्या बोलेगा ना, बोलने भी नहीं सक रहे ऐसे था तो बच्चा लोग को लेके कहाँ जाएगा, हम लोग ये था ना चाहते हमको हम आपको हम आज कटिंग हम बात भी नहीं करेगा ना, आज कटिंग मत कटो मत कट करो ना, हम लोग का डैमेज करे अभी तो हम लोग का ये इलाका में मेरा ये घर आगे बना है ना, ऐसे बोला था हम ये सबको मैंने आर्ट कटिंग करेगा तो हम तो नहीं मानेगा बोला था, हम आपको देखने के लिए भी लायक नहीं है तो ना कैसे मानेगा ऐसे बोला था, लास्ट में हम जबरदस्ती वो कट रहा है ये ज़मीन भी हम लोग का था ना असल बोलने में, ऐसे था वो जबरदस्ती कट के
जबरदस्ती काट के मेरा मिस्टर तो ऐसे भी ये अच्छा आदमी है ना, मैंने हम अपना से तारीफ नहीं, हम सीधा को सीधा बोलेगा ना, अच्छा को अच्छा बोले, हम लोग अंडरस्टैंडिंग हो के नो पैसा है तो काटो ना, ऐसे बोल रहे हैं ना। और ऐसे हो गए काटने के बाद में हम बोला है ना, तो आप लोग इस तरह में भी हम बोला है, मेरा घर जो डैमेज होगा ना, हम आगे घर बना लिया, आप लोग आर्थ कटिंग होने से मेरा घर डैमेज होगा, हम तो पहले से ऐसे बोला है, डैमेज होने से क्या करेगा ना, ऐसे बोला है। और एक्शन लेता है नहीं कितना, हम लोग ये बोला है, और ऐसे डाइवर्स करने से आपका यहाँ में पानी नहीं घुसेगा, आपका लिए अच्छा होगा, ऐसे बोल बोल के हम लोग ऐसे करके हम लोग यहाँ अभी ये हो गया ना। और नाला नेचुरल नाला पहले ना बहुत साल था, मेरा घर बैठ के हम लोग देखा है ना, और घर भी वो सप्ती टंकी भी बहुत अंदर में है, और कुआ को भी काल ले गया, ऐसे ले गया। हम तो ये था ना मेरा नेचुरल, मेरा बोलने वाला ऐसे माने बोलने वाला मतलब ऐसे नेचुरल, जो नेचुरल नाला जाने से मेरा घर जो डैमेज नहीं होना था, डैमेज नहीं होना था, हम गारंटी का साथ में बोल सकते हैं ये डैमेज नहीं होना था मेरा। और डाइवर्स करके नाला को ऐसे पहाड़ को ना काट के ऐसे नाला बना के पानी को ले जाएगा, बोल पानी भी नहीं जाएगा बोलता है, फिर भी जबरदस्ती ऐसे खींच के ले जाने के बाद में उधर ये ना बाली का जगह है तो उसमें पूरा पानी को दीता, ये जैसा पुखड़ी जैसा बना के रख दिया। इसके बाद अभी हम सोचा था मैंने ये बारिश आने से ना, आई बारिश खत्म होने से थोड़ा हम भी कैसे करेंगे, तब चातुम को रुकने से नहीं होगा ऐसे सोच के हम सोचा था, लेकिन और बड़ा अचानक मैं ये बड़ा घर आ गया ना, क्या करेगा ऐसे सोच के, बड़ा घर नहीं होता तो हम लोग आज ऐसे भी ये नहीं होगा, वो उसका वजह से बच गया, मैंने कैसे हला कर रहा था ना, हम लोग अचानक बच्चा चौथा चौथा है पूरा अचानक में ऐसे हो गया, वो कुआ को भी ले गया, पानी करप से आया था ना, नेचुरल पानी तो ऐसे नहीं आता है, जितना हम देखा है ना ये इलाका मालूम है, सो मालूम है ये एरिया को ना, चाहे तुम झूठ बोलता है क्या, हम लोग झूठ बोलता है, हम तक हम पामी का मिसेस है ना, तकम में हम झूठ बोलता है क्या, नहीं बोलता है, दुनिया मैंने ये इलाका मालूम होगा ना, चातुम झूठ बोलता है, बुरी तबिया बुरी यांग से हम ये जगह लिया है, वो जो बेटा जो चातुम जो हमको ये करके जबरदस्ती करके आठ कटिंग करके ये किया है, आज मैंने मेरा ये चातुम नहीं कटने से ना मेरा ऐसे डैमेज नहीं होना था, वही है मैंने वो जो ना बहुत ये दादा है ना, बहुत दादा है लोग दिशी में भी बहुत दादा दिखाया, उसको हम लोग बोलने नहीं सकेगा, वो लोग ये लोग आप लोग मजिस्ट्रेट लोग ना हम लोग को थोड़ा देख के मैंने बीच में कुछ देख देने से अच्छा है, इतना बोल के कोर्ट में भी कितना जाएगा, हम लोग को मरने देके कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में हम जाने दिल ने ना ये चीज़ को ना पेस टू पेस अभी मैंने मजिस्ट्री के साथ में हम लोग को एक डिसीशन लेके ना कर देने से ठीक है, हम लोग अभी बैठने के लिए जगह नहीं है, बच्चा सारा बच्चा को कहाँ में जमा करेगा, ऐसे हो गया अभी ये भी करीब होने जा, ये तो पूरा करीब हो गया, पूरा डैमेज हो गया, और उसको क्या करेगा ना, ऐसे हम सोच रहे हैं मैंने कैसे करेगा ना, वो अभी भी पैदा नहीं है, डैमेज तो हो गया, अभी उसके भी पैदा नहीं ना, वो बोलने से भी हम लोग को अपना गलत को ये नहीं होता है, मारेगा पीटेगा, हम लोग का ये डीसी मेरा हाथ में, पुलिस मेरा हाथ में, सब कुछ मेरा हाथ में, तुम लोग क्या है ऐसे भी बोलता है, हम लोग तो कुछ नहीं है ना, हम लोग गरीब है, गरीब वाला तो पैसा वाला ऐसे बोलने से हम लोग थोड़ा डरते हैं ना, और गरीब वाला पैसा वाला तो कुछ भी कर सकता है ना अंदर ना, ऐसे हम आप लोग को हम बता रहे हैं मैंने मेरा दुखी को ना क्या करेगा ना, इसे अभी बैठने के लिए जगह नहीं है, सामान उस तरफ का ये पूरा टूट के उस तरफ आधा सामान उस तरफ डैमेज हो गया, मैंने सामान पूरा डैमेज हो गया, और सामान डैमेज होने से कुछ नहीं है, मेरा बच्चा लोग मैंने प्रभु का दया से ईश्वर का दया से अच्छा है, पूरा बच दिया, और ये बाई का वजह से ब्रेन बैठने वाला वजह से बचाया, नहीं होने से खुद का कह आज क्या हो दे बोध क्या क्या होना था ना, प्रभु को हम धन्यवाद मैंने ये ना आप लोगों को भी हम धन्यवाद आज हम लोग का सामने आया है ना, इसलिए हो गया, थैंक यू।
डीसी का ऑर्डर में हम लोग कंप्लेन दिया है, देने के बाद भी हम लोग बार बार जाके डीसी को अपील किया है ना, जैसे भी नेचुरल नाला को जाने दो को बोला है डीसी का, भी हम लोग वो बेता था ये कबंग बेता है ना, मतलब कोर्ट में डीसी का कोर्ट में भी हम लोग बेता था, उसमें भी हम लोग सीधा बात किया था, उसमें भी बिरी जाता हम लोग को एक वर्ड बोला है ठीक से मारेगा पीटेगा, एक तो वर्ड वो निकाला था, अभी भी वो मीडिया में होगा वो चर्चा जो ना, घर को भी बम से उड़ाएगा क्या क्या बात किया था, उसमें भी डीसी जो सोतरा वार्निंग दिया था ऐसे बात मत करो बोल के ना, अभी भी हम लोग जो बार बार उसको बोलने का बाद कभी एक्शन नहीं लिया, एक्शन नहीं लेने का वजह से आज ये सिचुएशन हुआ है ना, आज बिरी जाता अगर इसको कटिंग नहीं करता तो हम मुझे अब सेफ्टी होकर बैठना था, अगर भी कभी ऐसे डेमेज होने का जगह नहीं, नेचुरल नाला जिसे फ्लो होता था वो तो इतना डीप था ना, कभी ऊपर आने का जगह नहीं था, अपना इतना दूर में था, पहाड़ का सामने में फ्लो होता था, हम लोग को वहाँ में वाटर वेल बनाया था, सेफ्टी टैंक बनाया, इतना साल से हम यहाँ 5-6 साल से बैठा हुआ है, कभी डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन ये जैसे ही आर्थ कटिंग शुरू हो गया हम लोग का नीचे अंडरग्राउंड पर्स पानी आ गया, उसमें हम लोग पर्स कंप्लेन किया है ब्रिज आतम को, कंप्लेन किया तो उल्टा हम लोग का अगेंस्ट में कंप्लेन देता है कि हम लोग को लैंड एनक्रोचमेंट किया है, ये किया है, वो किया है, बोलने का मतलब हम लोग को जगह ही नहीं देता है ना, एक थोड़ा सा बोले तो अपना बचाव के लिए क्या क्या करता है, लेकिन भी हम लोग हार नहीं माना है ना, इसका बाद देखो अभी उसमें हम लोग कंप्लेन देने का अभी भी एक दो तो हम लोग के कोर्ट चल रहा है ना, अभी उसका डाइवर्सन का वजह से ऊपर में पानी इतना ब्लॉक हो गया कि अपना नेचुरल जाने जगह नहीं होगा तो पानी तो ब्लस्ट होगा ही है ना, उसी ब्लस्ट का कारण हम लोग को रेडी भी होने नहीं दिया, देखो इतना थोड़ा सा बारिश में इतना हम लोग को डैमेज करके रख दिया, और उन्हें सामू तो मरना था, तो अगर नीचे में अगर अंडरग्राउंड में वो आदमी नहीं बैठता था बोले सामू तो आज मर के बैठना था, मालूम ही नहीं होना था कि पानी इतना भर गया बोल के, वही आके थोड़ा सा कटकता है हम मुझे ली उठ के बच्चा लोग को पकड़ के दो रहे तो क्रक 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 हो गया, तो टूटने का भी समय नहीं लगा, ये सब कुछ जो बिरी चातुम का निगलिजेंस का वजह से हुआ है, उसको हम लोग बार बार बोलने का बाद भी नहीं सुना है, उल्टा धमकाता है क्या क्या बोल के अपना पावर वो दिखाता है ना, उसका वजह से अगर वो जो हम लोग का बात सुन के हम लोग के लिए थोड़ा एक्शन लेता तो ना, आदमी हम लोग का वजह से डैमेज हो देगा, नेचुरल नाला को हम बंद नहीं करने से दिखता ऐसे सोच के, अगर वो नेचुरल नाला को जिसे फ्लो करता था ऐसे करने से आज हम लोग का ये डैमेज नहीं होना था, उधर नेचुरल नाला को इतना छोटा नाला पानी इतना बड़ा अच्छा से आता था तो उधर इतना छोटा नाला बनाया तो वहाँ से पानी कैसे जाएगा, और जाएगा नाला बनाया तो बनाया ऊपर से फिर कटिंग शुरू हो गया उसका, उसका जो पार्टनर वाला था मेल अमरा जो ना पीछे का वाला को फिर पहाड़ को खरीद के फिर कटिंग शुरू हो गया, वहाँ कटिंग का वजह से वहाँ से जो मट्टी को फेंकने जगह नहीं होगा नाला में फिर मट्टी को फेंक रहा है, अभी फिर नाला मट्टी फेंकने नाला तो ब्लॉक हो गया ना, मट्टी जाने जगह नहीं होगा तो उसका वजह से मेन जो हुआ है ऊपर से मट्टी गिर के नाला ब्लॉक हो गया, पानी जाने जगह नहीं होकर ऊपर पॉन्ड जैसे बन गया ना वो ब्लास्ट होकर हम लोग घर जो ऐसे डैमेज हुआ है, ये कुछ सब कुछ सिचुएशन जो आज जो हम जो अभी तकलीफ हो रहा है पर बिरी चातुम का वजह से हो रहा है, वो नहीं होने से अभी हम लोग आराम से बैठना था, इतना 5-6 साल से हम लोग घर बना के बैठ रहे हैं, नाला जिसे जाने दे रहे हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, उसका कटिंग का वजह से आज हम लोग ये सिचुएशन निकाला है, हम तो वही बोलेगा ना, और डीसी सर को भी हम बार बार अपील करने में किया है नेचुरल नाला को जाने, वो भी लेटर दे दिया था चातुम का ना, लेकिन भी उसको भी एक्शन नहीं है चातुम जो बिरी चातुम जो, हम लोग डीसी का कोर्ट में हम लोग को बुलाया था चातुम और हम लोग को ना दो पार्टी को बुलाया था, उसमें भी हम लोग बात किया, अभी भी मीडिया में होगा वो जो बात करने वाला जो ना अपना अपना पॉइंट को रखने दिया था, तो उसमें डीसी सर बोला है कि हम लोग आपस में बात मत करो बोला है, एक दूसरे को मतलब बात करने से तू में होकर झगड़ा निकाल सकते वो निकाल, उसमें भी तो चातुम धमका दिया था कि मारेगा ना मेरे माँ को पॉइंट देगा ये औरत को मारेगा, इस तरह से बोल दिया था, वो वोट भी होगा हाँ ये वोट निकाला है डीसी सर के सामने, अभी भी वो मीडिया में होगा, उसमें डीसी सर जो बोला है आप लोग जो आपस में एक दूसरे को बात मत करो ना, जितना भी रिस्पॉन्सिबल वो देख देना अभी डीसी सर देख देगा बोला था, हर चीज़ को वो देख देगा ना, देख के नेचुरल नाला जैसे जाने देता जाने देगा बोला है, और उसमें ये चातुम भी बोला है हाँ नेचुरल नाला को जाने देगा बोल के बोल दिया था, बोलने के बाद नेचुरल नाला जाने देने के लिए ऑर्डर निकाला है तो समय मांगा है उसमें एक दो महीना का, ये क्या बारिश सीजन को जाने दो बोल के ना, बारिश सीजन चला गया ऑर्डर निकल गया कि उसको नेचुरल नाला काटो बोल के, तभी भी नहीं काटा है, नहीं काटने का वजह से आज ये वो प्रॉब्लम निकाला है, और डीसी सर भी खुद हमको अपना कुछ से अपना मुख से बोला था कि ना रिस्पॉन्सिबल ले देगा बोल के, आप लोग आपस में बात मत करो झगड़ा होगा तूती में होगा ना, वो हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल लेगा बोल के बोलने का बाद भी नहीं ले दिया, इसका वजह से आज ये प्रॉब्लम निकाला, हम भी डीसी सर को वही बोलना चाहते हैं ना, आप अगर अपना खुद अपना वो करके अपना डिसीजन के खुद वो एक्शन लेगा बोल के कर देने से आज ऐसे नहीं होना था, आप लेगा बोल के लिया ही नहीं इसलिए आज ये सिचुएशन निकाल गया, हम वही बोलेगा।